Five of cups, fool, eight of cups and six of swords. तो मैं बता दूं, आपके लाइफ में आप काफी टाइम से कुछ अपने टेंशन्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं। मे बी आप अपने पार्टनर का ना वेट करते करते थक चुके हो, तो अब आपने सोचा है कि आपको अपने लाइफ में मूव ऑन करना है। यहाँ आप देख सकते हो एट ऑफ कप्स विथ सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, दोनों के दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो, लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी अपने लाइफ में खुशियां देखना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, है ना। आप ना, आपके पास ना टैलेंट बहुत ज्यादा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, मे बी आपके पास पर्सनल लाइफ में ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ना इतने टाइम से आप अपने पार्टनर का ही वेट कर रहे थे, लेकिन उनके साइड से आपको कोई एज योर एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव रिजल्ट तो मिला नहीं, है ना। तो आपने मूव ऑन करने का सोचा है, तो इस वीक में आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो और न्यू बिगनिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। ओके, अब कार्ड्स निकालते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं और यूनिवर्स आपको। सन कार्ड आ गया है, खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, मींस आप एकदम फ्री फील करोगे। अभी तक आप बहुत ज्यादा मींस ऐसा आप फील करते होंगे कि आप किसी के थॉट्स में बंध चुके हैं, या किसी पर्सन के वजह से आप बंधा हुआ फील करते हैं, या करियर में या जॉब में या बिजनेस में आप बंधा हुआ फील कर रहे थे ना, तो अब आप एकदम फ्रीली हो चुके हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करोगे इस वीक में, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकला है, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही निकला है, और देखते हैं आपको क्या आ रहा है। इस कार्ड ने फिर से आके ये क्लैरिफाई कर ही दिया है कि आप रियली में मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन करोगे तभी आप इस मून से सन के साइड मूव कर पाओगे, है ना। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको मून वाली सिचुएशन में रहना है कि हैप्पीनेस वाली सिचुएशन में जाना है, सन वाली सिचुएशन में जाना है। डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। देखिए यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर तो टॉक्सिक लग ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भी टॉक्सिक हैं जो आपकी लाइफ में ना ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब करके रखा हुआ है पूरे तरीके से, है ना। तो अब आपने सोच लिया कि ये जो जितने लोग हैं आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, इन लोगों से दूर जाना ही सही है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है। अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं ना, तो आप उनसे भी मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, काफी इमोशनल काइंड के पर्सन हो आप, कप लेके बैठे हुए अपने पर्सन का ही बैठे हुए हो, जरूर आप वेट कर लोगे लेकिन आप इस नेगेटिव सिचुएशन से पहले बाहर निकलोगे, है ना। आपके बैक ऑफ द माइंड या आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, दिख तो रहे हो आप एकदम शांत, कप लेके बैठे हो कि कब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे या आप अपना कप ऑफर करोगे, है ना। लेकिन आप अभी थोड़ा सा सब्र रखे हो, पेशेंस रखे हो, वेट कर रहे हो कि सिचुएशन जब ये ठीक हो जाएंगी ना, तब आप अपने पार्टनर के पास कप लेके जाओगे या वो आपके पास आ सकते हैं। और कार्ड्स निकालते हैं तो क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें। हायरोफेंट, ओके। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड लग रहे हो, या इस वीक में आप कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम कर सकते हो, भगवान से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, मंदिर आप ज्यादा जा सकते हैं, पूजा पाठ वगैरह ज्यादा कर सकते हैं, या आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आप अपना टाइम ज्यादा दे सकते हैं, है ना। स्पिरिचुअलिटी में आप ज्यादा टाइम देते हुए दिख रहे हैं मुझे। हैंग्ड मैन, ओके। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बोल ही रही थी मैं, डेविल काइंड के पर्सन, या मैंने अभी जस्ट मिड ऑफ द रीडिंग बोला था, कोई तो भी कार्मिक पार्टनर है जो आपको नेगेटिव सिचुएशन में डाले हुए हैं, वो है यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो उस वजह से ना आप काफी टाइम से स्टक चल रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप इस सिचुएशन को, आप इस नेगेटिव सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अगर ये नेगेटिव थॉट भी हो सकते हैं आपके, कोई पर्सन भी हो सकता है, है ना, तो आप इसको कैसे डील करें इसके बारे में सोच रहे थे, तो इस वीक में आप इन सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आपने हेल्प किससे ली है पता है, ये चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हेल्प ली है, तो हायरोफेंट कार्ड के साथ स्पिरिचुअलिटी से हेल्प ली है, भगवान से हेल्प ली है, यूनिवर्स से हेल्प ली, किसी पर्सन से हेल्प नहीं ली आगे बढ़ने के लिए। मे बी आपने प्रेयर्स बहुत ज्यादा की हैं, है ना, कि आपको इस नेगेटिव काइंड की सिचुएशन से निकाला जाए। तो एक मैं बात बता दूं, हायरोफेंट कार्ड के साथ आया है सन कार्ड, अगर आप हेल्प मांगते हो भगवान से तो वो आपको सन के साइड ही लेके जाते हैं, खुशियों के साइड ही लेके जाते हैं, और अगर आप हेल्प मांगोगे इंसानों से
तो वो आपको पता कहाँ लेके जाएंगे, डेविल कार्ड के साथ, डेविल जैसे ही बन जाएंगे, है ना। एक्चुअली में वो ना आपको इतनी निगेटिव सिचुएशन में डाल देते हैं अगर आप कोई पर्सन से हेल्प मांगते हैं। देखिए मैं हर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ लोग इस टाइप के भी होते हैं कि जो आपको निगेटिव सिचुएशन में डाल देते हैं, है ना। इससे बेटर है कि अगर आप लोगों को जज नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, तो आप लोगों से हेल्प ना मांग के भगवान से हेल्प मांगिए, वो आपको 101% आपको हैप्पीनेस के साइड ही लेके जाएंगे, ठीक है। वो आपको खुशियों के साइड ही लेके जाएंगे, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही डायरेक्शन दिखाएंगे, सही वे में आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ज्यादा बेटर है ना कि आप लोगों की बजाय भगवान से हेल्प मांगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होके या यूनिवर्स से हेल्प मांगे, अपना इंट्यूशन स्ट्रांग करें, है ना। ये सिंपल सा गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है इस वीक में। प्रोफेशनल लाइफ की मैं यहाँ बात करूं, काफी टाइम से जो स्ट्रक सिचुएशन चल रही थी ना प्रोफेशनल लाइफ में आपकी, उसमें कोई आप मूवमेंट देख सकते हो। अगर आपके बिजनेस थोड़ा सा स्ट्रक चल रहा था तो वो वापस से शुरू हो सकता है, करियर थोड़ा सा स्ट्रक चल रहा था तो वो भी शुरू हो सकता है, है ना। थोड़े से और कार्ड्स निकालते हैं तो क्लैरिफाई हो जाएंगी चीजें। एम्परर, ओके, वर्ल्ड। मैंने जस्ट बोला ही था ना कि आप अपनी लाइफ की लीड अब खुद ले रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। अब आपको पता चल गया है कि आपकी लाइफ में कौन मैटर करता है, कौन नहीं करता है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। आप जहां पे जॉब करते हैं या आप करियर में या बिजनेस में, आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह बाहर आओगे निकल के। अब लोग आपको एज अ लीडर ट्रीट करेंगे, है ना, क्योंकि आप में वो सारी चीजें हैं, आप में सारी पर्सनैलिटी है, आप में सारी क्वालिटीज हैं, आपके पास नॉलेज है, सबसे मेन चीज है ना। जिस पर्सन के पास नॉलेज होता है वो तो वैसे ही एक एम्परर मोड में आ चुका होता है। तो जितना ज्यादा हो सके आप अपने नॉलेज को स्ट्रांग करिए, ओके। और कुछ लोग यहाँ मुझे ट्रैवलिंग भी करते दिख रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड, या यहाँ पे देखिए करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हेरोफेंट का कार्ड आया है और विथ वर्ल्ड कार्ड आया है, तो कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान पे भी जा सकते हैं, है ना, या कहीं मंदिर भी जा सकते हैं घूमने के पर्पज से, है ना, या आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना, तो आप वहां पे कहीं तो भी ट्रैवल कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ठीक है। सन निकल के आ ही चुका है, तो इन सारी चीजों की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, इस डेविल काइंड के पर्सन होगा या थ्री ऑफ स्वॉर्ड की नेगेटिव एनर्जी हो गई या हैंग्ड मैन की भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, ये सारी चीजें एलिमिनेट होके आपको एक सन के साइड आप आगे बढ़ रहे हो उस वीक में। आप कुछ हैंड रिटन मैसेज देख ले, हैप्पी सरप्राइजेस, ओके। मैं बोल ही रही हूँ हैप्पीनेस तो आपके साइड आ ही रही है, सरप्राइज आ रहा है भाई आपके लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए बिल्कुल किस टाइप का सरप्राइज आया आपको। रिमेम्बर टू फॉरगिव, सबसे मेन कार्ड है। फाइंड ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन, ब्लेसिंग। आप तो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड काइंड के पर्सन हो क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट कार्ड है, ठीक है। फर्टिलिटी, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है।